हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक फिन में। राशन कार्ड अगर आपको बनवाना है वो भी ऑनलाइन माध्यम से फ्रेंड्स, आपको 3 दिनों में बन जाएगा। वो भी कैसे करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स PDS का वेबसाइट ओपन करना है, sfcbihar.gov.in। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। यहाँ जब बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में जब आएंगे फ्रेंड्स, तो आप को नीचे चलाना है। अगर आपको ऑफलाइन माध्यम से बनाना है फ्रेंड्स, तो अभी ब्लॉक आपके हर ब्लॉक में बन रहा है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके बना सकते हैं। इसका फॉर्म कैसा होगा, कैसे आपको फिलअप करना है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको राशन कार्ड किन्हीं परिवार का नहीं, तो आप जीविका के माध्यम से भी आवेदन दे सकते हैं। इससे आपको 3 महीने का राशन फ्री में और 1,000 रुपये भी मिल जाएंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ जब आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यहाँ पे जब आएंगे होम में RC इशू सिस्टम, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेबसाइट आता है, एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप 2016-17 में या 18 में आपने आवेदन किया था, तो उसका RTPS संख्या यहाँ आपको डालना है, जिला चूज कर लेना है, अनुमंडल चूज कर लेना है, उसको शो पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ राशन कार्ड दिख जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि नया अगर आपको ब्लॉक में अप्लाई करना है, तो यहाँ हर ब्लॉक में फ्रेंड्स 7 दिनों के लिए कैंप लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के निगरानी में राशन कार्ड का निगमन और संशोधन का प्रत्यर्पण का कार्य किया जा रहा है। यहाँ जब आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि यूजफुल इन्फो में प्लीज डिटेल राशन कार्ड जनरेशन यूजर मैनुअल। यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो प्रपत्र खो एवं को यहाँ जब क्लिक करेंगे, तो ये आपको फॉर्म दिख जाएगा ऑफलाइन वाला। यहाँ पे आपको किस क्राइटेरिया से कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। नए राशन कार्ड का निगमन के लिए आवेदन पत्र का विभागीय प्रपत्र को, आधार कार्ड का छाया प्रति, बैंक खाता का छाया प्रति, आवासीय विभागीय प्रपत्र खो, संपूर्ण परिवार का 3 फोटोग्राफ। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो ये सभी डाटा आपको लगेंगे। आवेदन पत्र पत्र खो यानी कि फॉर्म खो लगेगा, व्यक्ति जिसका नाम जो है उनके आधार कार्ड की छाया प्रति, उसके बाद फॉर्म खो लगेगा, निवास परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में अशुद्धियों का जिनका शुद्ध किया जाए उनके लिए सरकारी प्रमाण पत्र कुछ भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। या अगर आपको राशन कार्ड नहीं लेना है, अगर रद्द करवाना है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ जब नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये सामान्य जानकारियाँ आपको दी गई है। यहाँ जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका प्रपत्र खो है नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र, देख सकते हैं। आवेदन का नाम, आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, आवेदक के पता, पति या पिता का नाम, पूर्ण आवासीय पता, बैंक का IFSC कोड, बैंक का खाता संख्या, बैंक का शाखा का नाम और सदस्यों का नाम यहाँ पे डाल देना है आपको। नाम, पिता पति का नाम, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, संबंध, ये सभी आपको डाल देना है। जितने भी परिवार हैं यहाँ पे आपको चिन्ह करना है फ्रेंड्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक, मोटर चालक, अगर आपको चालक चरपहिया वाहन है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। मशीन चलित 3 पहिए वाहन या कृषि उपकरण है तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। सरकार द्वारा पंजीकृत कृषि उद्योग वाले हैं तो वो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। परिवार के सदस्य मासिक आय अगर 10,000 से ज़्यादा है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आयकर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं देते हैं तो नो कीजिएगा। व्यवसायिक कर हाँ है तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। जिस मकान में रहते हैं वो पक्की दीवारों से छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरा है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर 2.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन सिंचित जमीन है तो, अगर है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। इसके साथ अगर आपके पास अगर कोई सरकारी नौकरी है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर शहरी क्षेत्र के लिए ये सभी फ्रेंड्स इसको आप पढ़ के दे सकते हैं। यहाँ पे घोषणा पत्र है, इसको फॉर्म को फिलअप करके आपको सिग्नेचर कर देना है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो आपको फिलअप कर देना है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं प्रपत्र खो है राशन कार्ड के लिए, नया राशन कार्ड में प्रत्यापन या सिलेंडर या फिर संशोधन करने के लिए, इसको आपको पूरा डिटेल से उसी प्रकार का भर देना है। यहाँ पे निवास का प्रमाण पत्र देख सकते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कार्ड में बड़े ब्यौरों को, अशुद्धियाँ, ये सभी डाटा आपको भर देना है। यहाँ पे परिवार का नाम डाल देना है, वो सभी जानकारियाँ जो ऊपर मैंने बताया था वो इसमें हाँ या हाँ तो ना है तो ना कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जब नीचे आएंगे तो आपको ये सब जानकारी मिल जाएगा। राज्यपाल के आदेश, यहाँ आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यही रहा फॉर्म, आपको इंग्लिश में इसका जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स, तो आप इंग्लिश में भी फॉर्म को फिलअप
कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि ऑनलाइन आपको माध्यम से कैसे इस फॉर्म को पूरा फिलअप करके पूरा आपको ब्लॉक में जाके जमा कर देना है। अब मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से शिकायत कर सकते हैं, सबमिट के रिविजन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आगे आपको कौन सा दिक्कत है, आपको अलाउमेंट इशू है, बैंक रिलेटेड इशू है, कार्ड इशू है, डीलर इशू है, अदर है, तो जो भी जान यहाँ है। अगर मैं आपको कार्ड इशू बताता हूँ तो यहाँ पे कार्ड इशू करके आपको क्या दिक्कत है, ऐड करना है नाम या ब्रीव है या शिकायत, कार्ड नोट इशूड है तो यहाँ से आपको दे देना है। यहाँ पे सब कैटेगरी में चूज कर लेना है, नाम आपको दे देना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, ब्लॉक चूज कर लेना है, पंचायत चूज करके विलेज एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पूरा शिकायत आपको यहाँ पे शिकायत पूरा लिख देना है। उसके बाद अगर कोई अटैचमेंट फाइल है तो वो आपको अपलोड कर देना है यहाँ पे। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, रजिस्टर करने पर एक नंबर मिलेगा फ्रेंड्स। जब रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स तो एक नंबर मिलेगा, उसको नंबर को यहाँ पे आपको आना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नाउ ग्रेजुएशन स्टेटस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन स्टेटस जो नंबर मिलेगा वो यहाँ आपको डाल देना है। डालने के बाद गेट स्टेटस कर देंगे, उसके आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। करके यहाँ से अपना स्टेटस देख कर सकते हैं फ्रेंड्स। 2-3 दिनों में आपको यहाँ से दिख जाएगा कि अगर आपका राशन कार्ड सही रहेगा तो यहाँ से आपको बन जाएगा फ्रेंड्स। अगर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करते हैं तो 2 से 3 दिनों में आपका डेफिनेटली राशन कार्ड बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।